हाइड्रोजन। अगर मैं एक एच हटा के यहां पे फिनाइल रिंग लगा दूं, फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग लगा दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल, फिनाइल हाइड्रोजन। तो अगर ये चार रिएजेंट आपको याद हैं, अगर कोई भी कंपाउंड है उनमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, जैसे हम लोग ग्लूकोज पढ़ेंगे, फ्रक्टोज पढ़ेंगे, तो कहेंगे कि प्रूव दैट फ्रक्टोज है कीटोनिक ग्रुप। तो कीटोनिक ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम इससे रिएक्शन करा दें या इससे किसी से अगर वो रिएक्ट कर जाएगा तो हम बोलेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, तो अब रिएक्शन एक एक करके देखते हैं कैसे काम हो रहा होगा। तो इनको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट है आपके सारे, ये कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है तो ये सारे रिएक्ट करेंगे, राइट। चलो मैं कुछ रिएक्शन की बात करता हूं बेसिक। हमारे पास मान लेते हैं कोई भी कीटोन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं अगर HCN से करा दूं, ये कीटोन है। अब तुमको मालूम है कि HCN जो ब्रेक होता है वो कैसे ब्रेक होता है, H प्लस में, और CN C पे माइनस होता है भाई साहब, क्योंकि स्ट्रक्चर कुछ लाइक वन दिस। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींच रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इधर माइनस चार्ज आ जाएगा, इधर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? अब अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, क्यों? क्योंकि कार्बन पे जो चार्ज आ रहा है वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आ रहा होगा, तो ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड पूरी तरह से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आर सी आर डैश, इधर मैंने क्या जोड़ दिया, साइनाइड, यहां पे पूरा प्लस आएगा, प्लस माइनस कैंसिल, दो इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ऑक्सीजन पे